This program is brought to you by IndianFunkar.com. नमस्कार मित्रों, इंडियन फनकार में आपका स्वागत करती हूँ और सुनाने जा रही हूँ मैं यामिनी व्यास एक कविता। शीर्षक सूरज गिरी। सूरज गिरी। रोज सुबह सूरज फैलाता है किरणों को, रोज सुबह सूरज फैलाता है किरणों को और शाम को भी जाते जाते, और शाम को भी जाते जाते, लेकिन वह कहीं नहीं जाता, लेकिन वह कहीं नहीं जाता। रात को चांद में रूपांतरित हो जाता है, रात को चांद में रूपांतरित हो जाता है, पर कभी कभी उस चांद से सूरजगिरी छूटती नहीं, पर कभी कभी उस चांद से सूरजगिरी छूटती नहीं, इसलिए मेरे गाल रहते हैं लाल सुबह सुबह, इसलिए मेरे गाल लाल रहते हैं सुबह सुबह। मित्रों, और एक कविता सुनाती हूँ, शीर्षक रात। रात बताए बिना वह कहाँ जाती है, बताए बिना वह कहाँ जाती है, बिना आहट रेशम से सपनों को छोड़ के, बिना आहट रेशम से सपनों को छोड़ के, काली सी चद्दर को ओढ़ के, बताए बिना वह कहाँ जाती है, बिना आहट रेशम से सपनों को छोड़ के, काली सी चद्दर को ओढ़ के, शीतल पल्लू लहरा के, चुपके से कहीं सरक जाती है, चुपके से कहीं सरक जाती है, कुछ घंटे कुछ लम्हे हमको देकर, कुछ घंटे कुछ लम्हे हमको देकर, सन्नाटा फैलाकर, सन्नाटा फैलाकर, कुछ सुकून थोड़ा आराम और बहुत सा प्यार मिल जाते हैं तेरे आने से, कुछ सुकून थोड़ा आराम और बहुत सा प्यार मिल जाता है तेरे आने से। ऐ रुक, ऐ रुक, रुक कहाँ जाती है, ऐ रुक, रुक कहाँ चली, ओ रात सूरज के पीछे छुपने, ऐ रात सूरज के पीछे छुपने। थैंक यू वेरी मच मित्रों, आपको अगर ये कविता पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।